और कोई ना कोई तो आएगा जी। अब बहुत जल्दी ही कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि अब नौजवानों की भी जरूरत है, बगैर नौजवान के पार्टी चलने वाली नहीं है। माननीय क्या कहना चाहेंगे, आपने पदाधिकारियों की बात करी है, तो क्या लगता है कि तमाम लोग आज तमाम हमारे कमेंट भी कर रहे हैं लगातार कि बहन जी में परेशानी नहीं है, बहन जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पदाधिकारी सही से मोटिवेट नहीं करते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं, गलत आदमी का चुनाव कर देते हैं, जिसकी वजह से वोट ऑफ परसेंटेज भी कम होता है और गलत आदमी की नियुक्ति भी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगते रहे हैं कि कभी बीजेपी से भी पैसा ले लेते हैं, कांग्रेस से भी पैसा ले लेते हैं और कैंडिडेट से भी पैसा ले लेते हैं। लेकिन बहन जी ने इस बार तो चुनाव में बिल्कुल साफ कर दिया है कि जैसे शंभू सिंह को बहन जी ने टिकट दिया तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, डॉक्टर रितु को पैसा दिया तो उससे कोई पैसा नहीं लिया गया है, डॉक्टर इंदु चौधरी को दिया टिकट दिया है तो उनसे भी कोई पैसा नहीं लिया गया है। तो ये पैसा जाता कहां से, पदाधिकारी के अपनी जेब में रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पार्टी चलानी है तो पैसे की तो जरूरत है जी, पैसा तो पार्टी के लिए चाहिए जी। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया और हमारी पार्टी किसी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती, किसी पूंजीपति से पैसा नहीं लेती, सिर्फ जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं से पैसा लेती है। अब चाहे वो कार्यकर्ता गरीब है, 2 रुपए देने वाला है, चाहे मीडियम है वो 1000 रुपए देने वाला है, चाहे और थोड़ा सा ऊंचे वाला है 1,00,000 रुपए देने वाला है, तो वो सब बहन जी को अपनी नेता मानकर और बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपना कर्तव्य मानकर वो सब सहयोग करते हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि हर पार्टी का नाम उन चंदे वालों में है जो बॉन्ड से इन्होंने चंदा दिया है कांग्रेस वालों ने, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं। बिल्कुल, बहन जी ने कभी भी किसी पूंजीपति के दबाव में आकर पैसा नहीं दिया जी। उनको साफ साफ अपने प्रदेश जब सरकार में मुख्यमंत्री थी बहन जी, किसी पूंजीपति को अपने प्रदेश में नहीं आने दिया था कि नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा जी। हम गरीब लोगों से 2-2 रुपए लेकर के अपना काम चला सकते हैं, लेकिन हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं, जो उन लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर से जो एक दूसरे की बुराई करके टांग खिंचाई की, उसका परिणाम हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आज पार्टी में नहीं है जी। वे लोग बाहर हैं, लेकिन आज भी उनकी आस्था बहुजन समाज पार्टी में है जी। चाहे वो घर बैठे हैं, बिल्कुल निराश हैं, और वो आना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, इसलिए मेरा उनसे संपर्क है। तो मैंने ये अपील भी की है, बहन जी से भी अपील की है, कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि ये चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, हम लोगों को अपने घर को मजबूत करना है और हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है जी। बहुजन समाज पार्टी है तो समाज की इज्जत है, और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है जी, बल्कि इसके साथ साथ ये एक आंदोलन भी है, मूवमेंट है जी। हमें मूवमेंट को भी आगे बढ़ाना है, मूवमेंट को भी बचाना है, बहुजन समाज पार्टी को बचाना है, दोनों को साथ लेते हुए, क्योंकि इस मूवमेंट को 1848 से लेकर के महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो शुरू किया, उसको बाद में महात्मा ज्योतिराव उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाया, फिर बाबा साहब ने चलाया, फिर मानवत कंसराम साहब ने चलाया, और अब बेंच चला रही है, और कोई ना कोई तो आएगा जी। अब बहुत जल्दी ही कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि अब नौजवानों की भी जरूरत है, बगैर नौजवान के पार्टी चलने वाली नहीं है जी। नौजवानों की अगर बात करते हैं तो बहन जी ने आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी, लेकिन उनको भी एमेच्योर कह के बाहर निकाल दिया। क्या एमेच्योर जो था वो पहले नहीं नजर आ रहा था, आपने इतने बड़े पद पर आपने नियुक्त कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? तमाम देश के लोग आपको लाइव देख रहे हैं। मैं इस टॉपिक पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगा जी, क्योंकि बहन जी का मैटर है जी, और आकाश आनंद जी हमारे जो है नेता है, हमने माना उनको जी, जब बहन जी ने माना हमने काम करना शुरू कर दिया जी। लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बीएसपी का कैडराइज वोट था वो कहां स्लिप हो गया, क्या गठबंधन में चला गया, क्या गठबंधन की तरफ लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, यहां तक कि जो मुस्लिम समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोग भी वोट नहीं करे, उससे क्या कहना चाहेंगे सर? कैडराइज वोट कहीं नहीं गया है, कैडराइज वोट तो बसपा को ही मिला है जी,
ये 9% 9% वोट कम नहीं होता जी, सामने खड़े कर लो 9% लोगों को जी, देखो कितना दिखाई देगा, जून दिखाई देगा जी, लेकिन फिर भी रिजल्ट के लिए हमको और आगे बढ़ना है जी, तो उसमें बहुजन समाज को जोड़ना पड़ेगा जी। अब मुस्लिम समाज पर इसलिए हमारी निगाह रहती थी कि भाई ये भी पिटे हुए हैं, हम भी पिटे हुए हैं जी। वे 500 साल उन्होंने राज किया है जी, हमने राज नहीं किया था, हम तो 5000 साल से पिटते चले आ रहे जी। तो इस समय मानवर कंसराम साहब ने यही कहा था कि अगर ये पिटे पिटे लोग एक जगह हो जाएं तो हम पीटने वालों को सही कर सकते हैं जी। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि जुल्म इनके साथ भी हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बीजेपी के राज में बिल्कुल कम नहीं हो रहा। कहीं पर जो है सिर्फ टोपी के नाम पर या कहीं पर मीट के नाम पर, बीप के नाम पर बेवजह बेगुनाहों को लोगों को उनके साथ अत्याचार होता है, तो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा, हमारे साथ तो हुआ ही है जी। हमें सिर्फ थोड़ा सा ये पीरियड लगभग 6.5-7 साल का मिला था जी, जिसमें समाज को एक स्वाभिमान से जीवन जीने का एक तरीका मिला था। बहन जी स्वाभिमानी है और बहन जी ने समाज को भी स्वाभिमान बनाया जी। आज जो बहुजन समाज पार्टी के कैटलाइज वर्कर है जी, वे झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वोट कितना भी कम हो गया है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेंगे जी। उनमें से एक मैं भी हूँ और मैं जिनके साथ रहता हूँ जी, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वे सब लोग, चाहे उनमें जयप्रकाश जी हों चाहे और कोई हो, हम सब मिल करके इस कारवां में सहयोग करेंगे, कभी इसको नीचे नहीं आने देंगे, बराबर काम करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, कितनी किताब आपको चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।